ठीक है, सेकंड देखते हैं। पॉइंट्स ए बी सी एंड डी आर द वर्टेक्स ऑफ पैरोग्राम एबीसीडी, फाइंड ए एंड बी। पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। चलिए हम लोग एक पैरोग्राम यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक है, ये आपका पैरोग्राम हो जाएगा। यहाँ पर इस पैरोग्राम के दिए हुए हैं यहाँ पर वर्टेक्स के क्वाड्रेंट। देख लीजिए यहाँ पर ए बी सी डी पैरोग्राम हो गया और यहाँ पे इसके क्वाड्रेंट दिया। देखिए 3 1 5 1 ए कॉमा बी और इसका डी का दिया है 4 कॉमा 3। यहाँ पे दिया है कि पॉइंट्स ए जिसका क्वाड्रेंट है ए पॉइंट ए जिसका क्वाड्रेंट है 3 1, बी जिसका क्वाड्रेंट है 5 1, सी जिसका क्वाड्रेंट है ए बी एंड डी जिसका क्वाड्रेंट है 4 3। आर आर वर्टेक्स वर्टेक्स ऑफ ए पैरोग्राम ए बी सी डी, पैरोग्राम ए बी सी डी के वर्टेक्स है। तो हम लोग जानते हैं कि इनके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं ना। चलिए तो यहाँ लिखते हैं, वी नो दैट द डायगोनल ऑफ पैरोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। यानी हम लोग लिख सकते हैं कि ओ सेंटर हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड बी डी, दोनों डायगोनल का मिड पॉइंट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे AC के लिए, ए प्लस 3/2 और बी प्लस 1/2। बी डी के लिए आ जाएगा 5 प्लस 4/2 और यहाँ 1 प्लस 3/2। चलिए अब इसके बाद हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। ए प्लस 3/2 बी प्लस 1/2 इक्वल टू में यहाँ 9/2 और यहाँ पे हो जाएगा 4/2। चलिए अब इसके बाद हम लोग आगे यहाँ देखते हैं। एक्स क्वाड्रेंट के इक्वल एक्स प्लस 3/2 इक्वल टू में 9/2। ठीक है, और फिर यहाँ ये यह हो जाएगा बी प्लस 1/2 इक्वल टू में यहाँ पर 4/2। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए तो यहाँ से ये 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ इसमें भी 2 से 2 कट जाएगा। 3 जाएगा 2, ए का वैल्यू 6 आ जाएगा और यहाँ बी का वैल्यू 3 आ जाएगा। 6 कॉमा 3 इसका आंसर आ गया, ए का 6 और बी का 3। क्वेश्चन नंबर 15।